बटर गार्लिक पोटैटोज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। इतनी टेस्टी बनती है ये रेसिपी कि आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, छोटे छोटे आलू हैं, छिलकों के साथ लिए हैं मैंने आलू को। इसे बॉईल करने के लिए हम इसमें एक ग्लास पानी डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, ढककर इसे पकाएंगे अब सॉफ्ट होने तक। आलू को हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे वरना इसे फ्राई करने में हमें मुश्किल होगी। आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसका सारा पानी हटाकर हम इसे ठंडा कर लेते हैं। फिर इसे ठंडा करने के बाद हम इसे दो पीसेस में काट लेंगे। अब एक पैन में डाल लेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर बटर। सारी जगह बटर को अच्छी तरह से फैला लेते हैं। सारे आलू को अब इस तरह से हम डाल लेंगे। फ्लेम को हाई कर लेते हैं और आलू को हम इस तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है आलू पर, अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे चलाते हुए फिर से हम फ्राई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। छिलकों की तरफ से आलू को हम ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे वरना ये छिलके उतर जाएंगे। 1/4 चम्मच अब नमक डाल लेते हैं। करीब 1/4 चम्मच डाल लेते हैं काली मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। ओरिगैनो डाल लेंगे 1/4 चम्मच या फिर आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही सारे मसाले अच्छी तरह से आलू पर लिपट जाए इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच और बटर। साथ ही इसके डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर कर चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का सा इसे हम आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं और अब ये लहसुन को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए आलू पर कोट कर लेते हैं। जैसे ही सारा लहसुन अच्छी तरह से आलू पर कोट हो जाए हमें इसमें थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेना है। बस हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो बस देखें, ये हमारा चटपटा मजेदार बटर गार्लिक आलू बनकर रेडी हो गया है। इसे आप सॉस के साथ स्नैक्स में सर्व कर लीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है पर बनती है बेहद मजेदार और चटपटी।